नमस्कार, मैं राजेंद्र बंसल, वास्तु सलाहकार। आज आपको ईस्ट फेसिंग पूर्वमुखी ऑप्टिकल्स यानी चश्मे की दुकान के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। जो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ, आप मेरी वीडियो को देखकर सुनकर समझकर आपके यहाँ लगता है आपकी दुकान, आपका शोरूम बढ़िया नहीं चल रहा है, कस्टमर अच्छा नहीं आ रहा है, आपके अपने खर्चे नहीं निकल रहे हैं, आप हर रोज़ घाटे में जा रहे हैं, तो आपको मेरी वीडियो देखने के बाद रिज़ल्ट, ऐसा मेरा अपना मानना है, मेरा अपना अनुभव कहता है कि आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिल जाएंगे। आपको अपने यहाँ पर क्या क्या करना है, क्या क्या आपके यहाँ सीटिंग और सेटिंग सेटअप होना चाहिए, जो सेटअप होना चाहिए वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपका अपना ईस्ट फेसिंग चश्मे की दुकान, सबसे पहले मेन एंट्रेंस आपकी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के अंदर से होनी चाहिए। किसी कारण से आपकी अपनी दुकान की चौड़ाई ज़्यादा है तो ईस्ट के सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की ओर गेट आ जाएगा, फिर मिड में गेट आ जाएगा। आपकी अपनी दुकान की शोरूम की चौड़ाई यदि ज़्यादा है तो गेट आपने मिड में बनाना है, चौड़ाई यदि कम है तो आपने गेट ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के बीच में बनाना है। फ्रंट का एरिया आपका गड्ढे वाला नहीं होना चाहिए, ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, साफ़ सुथरा स्मूथ एरिया होना चाहिए। फ्रंट में आप ब्राउन कलर की टाइल्स लगा सकते हैं, पत्थर लगा सकते हैं, नाली है आपके यहाँ तो उस नाली को आप जरूर ढकें और स्मूथ ढकें। इसके साथ में फ्रंट में आपने जो फुटमैट पायदान डालना है वो हरे रंग का डालना है या ब्राउन कलर का डालना है। शटर पर जो कलर आना चाहिए लाइट ग्रीन कलर आना चाहिए या लाइट ब्राउन कलर आना चाहिए। इसके साथ में नॉर्थ वॉल पर मैक्सिमम हिस्से के अंदर आपने लुकिंग मिरर लगाना है, कंप्लीट मिरर लगेगा। वन पीस में लगाएं या चार पीस में लगाएं, मैं आपको यही कहूँगा कि आप कोशिश करें बिग साइज का मिरर लगाएं, क्योंकि चश्मे की दुकान में बिना मिरर के काम नहीं चल सकता, मिरर का ही मेन रोल है। तो आपने मिरर यहाँ कहाँ लगाना है, नॉर्थ वॉल पे लगाना है। इसके साथ में काउंटर आपने कहाँ बनाना है, कंप्लीट वेस्ट वॉल से लेके ईस्ट वॉल तक कंप्लीट आपका ये काउंटर बनेगा। काउंटर के टॉप पर ऊपर तो ग्लास आ जाता है, नीचे चार पांच छह आपकी अपनी दुकान की शोरूम की गहराई के हिसाब से खाने बन जाते हैं, उनमें आपकी अपनी एक डिस्प्ले आ जाती है, उसके बाद नीचे रैक के अंदर स्टोरेज आ जाती है। इसके साथ में साउथ वॉल पर वेस्ट से लेके ईस्ट तक कंप्लीट डिस्प्ले बनेगी। एक चीज़ और है, फ्रंट में भी आप अपने कहाँ से साउथ ईस्ट कॉर्नर से लेके जहाँ तक भी आपका अपना गेट आता है यहाँ भी आपकी अपनी डिस्प्ले आएगी। इसी के साथ में आपकी अपनी डिस्प्ले साउथ वेस्ट से वेस्ट तक यहाँ भी आपकी अपनी डिस्प्ले आ जाएगी। इसी के साथ में क्योंकि आपकी अपनी चश्मे की दुकान है, चश्मे की दुकान के अंदर आने वाला व्यक्ति, आने वाला कस्टमर डॉक्टर से अपनी आंखें चेक करा के आता है, किस नंबर का आपने चश्मा बनवाना है, कस्टमर ने बनवाना है, वो आपके आके पर्ची ला के दे देता है, भाई इस नंबर का चश्मा बना दीजिए। जो कस्टमर आता है, हर दुकानदार उस कस्टमर की जो चश्मा बनवाने आया है उसकी आंखें चेक करने के लिए भी अपने यहाँ पर भी एक मशीन लगाता है, साथ में पूरा सेटअप करता है आंखें चेक करने के लिए। वो आपने कहाँ बनाना है, वो आपने वेस्ट के सेंटर में बनाना है, बीच में मशीन लगी होती है, यहाँ कस्टमर बैठ जाता है आके, यहाँ दुकानदार हो जाता है जो आंखें चेक करने के लिए, ये मशीन हो जाती है। इसी के साथ में आपके अपने यहाँ पे एक छोटी सी वर्कशॉप होती है, अपने कहने में छोटी सी है लेकिन पूरी दुकान की छोटी वर्कशॉप नहीं, पूरी बड़ी वर्कशॉप है, क्योंकि चश्मे तैयार किए जाते हैं। चश्मे तैयार करने के लिए यहाँ पर ये कंप्लीट सेटअप आ जाता है। नॉर्थ वॉल पर आपका अपना वॉश बेसन लग जाता है, क्योंकि बिना पानी के काम नहीं चल सकता, और इसी के साथ में पीने का पानी भी आपका अपना यहीं आ जाता है।
ये टेबल है, ये सिंक लगा हुआ है, मशीन लग गई उसकी अपनी पानी से घिसाई वगैरह करने के लिए, पानी का यूज करने के लिए, और यहाँ बैठ कर अपना चश्मे तैयार कर लेता है। इसी के साथ अब मैं आपको एक और जानकारी दे रहा हूँ कि आपके अपने यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पोस्टर्स भी लगाए जाते हैं, वो पोस्टर्स आपने कहाँ लगाने हैं? जो आपका ये डिस्प्ले काउंटर बना है ऊपर लगभग 9-10 इंच के, उसमें तो ग्लास रहते हैं, डिस्प्ले होती है, उसके नीचे कंप्लीट पोस्टर लगा दिए जाते हैं, उन पोस्टर्स की रिफ्लेक्शन ग्लास में मिरर में आ जाती है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, जब आप यहाँ ग्लास लगाएंगे वो फर्श लेवल से 4 इंच ऊंचा होना चाहिए, 4-6 इंच ऊंचा होना ही चाहिए, फर्श के साथ टच करके आपने लुकिंग मिरर को नहीं लगाना है। इसी के साथ अब मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, आपके अपने यहाँ पर इन्वर्टर कहाँ रखना है? इन्वर्टर आपने साउथ ईस्ट में ही रखना है, इलेक्ट्रिक मीटर भी आपने यहीं लगाना है। मैंने आपको क्या क्या बताया, इन्वर्टर बता दिया, इलेक्ट्रिक मीटर हो गया, फ्रंट का एरिया हो गया, गेट हो गया, फ्रंट पे कलर भी हो गया, काउंटर भी हो गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ ओनर की सीटिंग कहाँ आनी चाहिए। ओनर की सीटिंग साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में आनी चाहिए। ओनर बैठने को तो कहीं भी बैठ सकता है, साउथ वेस्ट में बैठता है तो बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ में यहाँ आपका अपना स्टाफ आ जाता है, अंदर आने के लिए जहाँ से आपको ऑप्शन मिले, जहाँ से आपको अच्छा लगे, वहाँ से आप अपना अंदर आने के लिए रास्ता बना लें। इसी के साथ एक चीज़ और कहूँगा मैं आपको, आपने अपनी दुकान की फर्श की जो ढलान करनी है वो आपकी अपनी वेस्ट टू ईस्ट ही आनी चाहिए और कहीं नहीं। आपके अपने यहाँ पर मैक्सिमम हैवी स्टोरेज, क्योंकि ये आपकी अपनी डिस्प्ले बनी है, डिस्प्ले आपकी फर्श लेवल से 3 फुट ऊपर डिस्प्ले बनती है, नीचे कंप्लीट स्टोरेज बनती है। इसमें कंप्लीट यहाँ साउथ ईस्ट से लेके साउथ होते हुए साउथ वेस्ट तक कंप्लीट स्टोरेज बन जाती है, ऐसे ही आपकी वेस्ट में भी कंप्लीट स्टोरेज आ जाएगी साउथ वेस्ट तक। जैसे मैंने आपको जानकारी दी है, आप अपनी दुकान के अंदर, आप अपने शोरूम के अंदर नया बनाने जा रहे हैं तो इस तरीके से बना लीजिए, और आपको लगता है आपके अपनी दुकान में सीटिंग सेटिंग इस तरीके से नहीं है, दूसरे तरीके से है, तो आपकी दुकान लगता है आपको अच्छी नहीं चल रही है और अच्छी चलनी चाहिए, लंबे समय से आपकी दुकान अच्छी नहीं चल रही है, तो मेरा अपना ये मानना है कि आपको अपने दुकान में शोरूम में सीटिंग और सेटिंग चेंज कर लेनी चाहिए। चेंज करते ही आपको रिजल्ट अच्छे प्राप्त हो जाएंगे। इसी के साथ अगले प्रोग्राम में एक बार फिर एक और नए विषय पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।